वालेकुम गाइस मैं हूँ आपका उस सखे सुल्तान और आप देख रहे हैं एसएस क्रिकेट शो हां दोस्तों चैनल पे नए चैनल को लाज में सब्सक्राइब करें वीडियो को लाजम लाइक करें जिया दोस्तों बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ आप लोग के लिए पी एस एल नाइन के तीन बड़े प्लेयर्स का अवेलेबिलिटी क्लियर हो चुका है कि कौन कितने मैचेस खेलेगा कौन पूरा बाहर हो गया है तो ये टीम बहुत बड़े प्लेयर्स है तो चैनल पे नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि क्रिकेट के और पी एस एल नाइन के लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आपके साथ शेयर कर सकूँ जी हाँ दोस्तों तीन बड़े प्लेयर्स का अवेलेबिलिटी क्लियर हो गया है दो अफगानिस्तान के हैं एक नूर अहमद एक नवीन उलक पहले बात करते हैं नवीन उलक की जी जिया दोस्तों नवीन उलक पे तो पहले बैंड लग गया लेकिन अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको चांस दे दिया है तो इस वक्त उनकी सीरीज़ कंफर्म हो गई है आयरलैंड के साथ जिसका मैंने आप लोग को पहले बताया था कि ये सीरीज़ कंफर्म हो गया तो अफगानी प्लेयर्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे जी हाँ दोस्तों पहला उनका सीरीज़ श्रीलंका से है उसके बाद आयरलैंड से भी कन्फर्म हो गया है ऑफिशली इनके बोर्ड ने बता दिया है तो इस वजह से नवीन उलग ज़्यादा से ज़्यादा छः मैच के लिए अवेलेबल होंगे पिशावर सलमी को अब बात करते हैं वन इंदू असरंगा की जी दोस्तों कुछ शेड्यूल चेंज किया गया है श्रीलंका बोर्ड की जानब से तो वन हिंदु असरंगा हमें यहाँ पे पी एस एल नाइन से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं वो कोयटा ग्लेडिएटर से नहीं खेलेंगे क्योंकि वो पहले पांच मैचेस के लिए अवेलेबल थे तो अब वो पहले पांच मैचेस के भी तीन मैचेस मिस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज के सिर्फ दो मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे और मुश्किल लग रहा है कि कोयटा उसको बुलाएगा और दो मैचेस खिलवाएगा तो यहाँ पे वो हमें कम्प्लीटली बाहर होते हुए नजर आ रहे है जी हाँ दोस्तों अब बात करते हैं पेशावर जलमी के स्पिनर की वो है नूर अहमद जो इनका पिक था प्लेटिनियम का वो भी सिर्फ थीम मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे पी एस एल नाइन के ग्रुप स्टेज के उनका भी जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सीरीज़ हो गया है आयरलैंड के साथ कन्फर्म और वो ओडीआई भी खेलते हैं नूर अहमद तो इस वजह से वो सिर्फ थीम मैच के लिए अवेलेबल होंगे पेशावर जलमी को तो नवीन उलक ज्यादा से ज़्यादा छः मैच के लिए अवेलेबल होंगे और नूर अहमद तीन मैच के लिए ग्रुप स्टेज के और वनंदू असरंगा दो मैच के लिए और अगर इनकी टीम को प्ले के लिए इनकी ज़रूरत हो तो वो अगर इनकी फ्रेंचाइजीज़ को इनकी जरूरत हो प्ले ऑफ्स या फाइनल्स में तो ये, ये सारे अवेलेबल है प्ले ऑफ्स और फाइनल्स के लिए नवीन उलग पहले तीन मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है नूर अहमद पहले सात मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है और वनदू असरंगा पहले तीन मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है कोईठा को उसके बाद दो मैचेस के लिए अवेलेबल हो जाएंगे उसके बाद फिर पांच मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है और फिर प्लेऑफ्स और फाइनल्स के लिए अवेलेबल है वनदू असरंगा हमें यहाँ पे पूरा पी एस से बाहर होते हुए नजर आ रहा है क्योंकि दो मैचेस के लिए तो दरमियान में कोयठा उसे नहीं खिलाएगा क्योंकि उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स है और बहुत सारे है तो ये थे जी हमारा आज का वीडियो वीडियो पसंद है वीडियो को में लाइक करें चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करें बेल करे बेलाइक दबाई तो तक क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपके साथ शेयर कर सकूँ थैंक यू जी